नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई हॉरर फिल्में देखी होंगी, पर अगर कंजूरिंग और इंसिडियस सीरीज को छोड़ दें तो एक्सोर्सिस्ट से डरावनी फिल्म आज तक नहीं बनाई गई है। न्यूयॉर्क मैगजीन के अनुसार यही एक ऐसी इकलौती मूवी है जिसे देखकर लगभग आधे दर्जन लोगों को हार्ट अटैक आ गया था। एक्सोर्सिस्ट मूवी 1973 में रिलीज हुई। विलियम फ्रेडकिन ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी एक एक्ट्रेस माँ क्रिस मैकनील और उसकी 12 साल की बेटी रेगन के इर्द गिर्द घूमती है। रेगन को ओजा बोर्ड पर खेलना पसंद था और उसके अनुसार उससे एक दोस्त उससे बातें करता था जिसे वो कैप्टन हाउडी बुलाती थी। ओजा बोर्ड पर खेलने के बाद एक दिन रेगन की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी और भद्दी भाषा का प्रयोग करने लगी। इसके अलावा रेगन में हैरतअंगेज ताकत भी आ गई थी। रेगन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन रेगन घर में हो रही पार्टी में हंगामा मचा देती है। बाद में रेगन का बिस्तर बेहद तेजी से हिलना शुरू कर देता है। रेगन की माँ क्रिस काफी डॉक्टर्स को दिखाती है पर उसकी हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में एक डॉक्टर रेगन का एक्सोर्सिज्म यानी शुद्धि या कहें झाड़फूंक कराने की सलाह देता है। इसी सिलसिले में क्रिस फादर कैरस से मिलती है। फादर कैरस एक और फादर के साथ रेगन का एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद फादर कैरस शैतानी आत्मा को खुद के शरीर में आने का निमंत्रण देते हैं और शैतानी आत्मा रेगन का शरीर छोड़कर फादर कैरस के शरीर में घुस जाती है। फादर कैरस तभी खिड़की से कूद जाते हैं और इस तरह से अपने आप को कुर्बान करके रेगन को बचा लेते हैं। दोस्तों, द एक्सोर्सिस्ट मूवी जिस सच्ची घटना पर बनी है वो वाशिंगटन डीसी में 1949 की घटना है। इस घटना में जिसका एक्सोर्सिस्म सच में किया गया था वो था 13 साल का लड़का जिसका नाम रोनाल्ड था। रोनाल्ड की एक आंटी थी जिसका नाम हैरियट था। हैरियट तंत्र मंत्र जानती थी। हैरियट ने रोनाल्ड को ओजा बोर्ड भी खेलना सिखाया हुआ था। हैरियट की अचानक मौत के बाद रोनाल्ड को काफी धक्का लगता है। 1949 के जनवरी महीने में हैरियट की मौत के बाद रोनाल्ड की तबीयत खराब होने लगी। रोनाल्ड को दीवारों पर किसी की खरोचने की आवाजें आने लगी। रोनाल्ड के घर वालों ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में उनके पड़ोसी लुथरन उन्हें एक्सोर्सिज्म करवाने का सुझाव देते हैं। वहाँ के लोकल पादरी एल्बर्ट ह्यूजिस एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोगों का आज भी यह मानना है कि रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म फिल्म में दिखाए गए रेगन के एक्सोर्सिज्म से कई गुना डरावना था। ये एक्सोर्सिज्म कई दिनों तक चला। एक बार तो रोनाल्ड अपने हाथों से बंधी रस्सियों को तोड़ देता है और फादर को तेजी से कंधे के पास गहरा आघात पहुंचाता है जिसकी वजह से फादर ह्यूजिस एक्सोर्सिज्म को बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद रोनाल्ड के पेट पर लाल रंग के स्क्रैच नजर आते हैं और एक स्क्रैच पर उन्हें लुइस लिखा प्रतीत होता है। रोनाल्ड की माँ को लगता है कि उन्हें रोनाल्ड को सेंट लुइस ले जाना चाहिए जहाँ उनके रिश्तेदार भी रहते थे। वहाँ रोनाल्ड के घर वालों की मुलाकात फादर वॉल्टर और फादर विलियम से होती है। दोनों फादर अपने साथियों के साथ रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। फादर वॉल्टर और विलियम ने अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि रोनाल्ड दिन में तो सही रहता था पर रात को उग्र हो जाता था। रोनाल्ड काफी डरावनी आवाजों में चिल्लाता था और एक्सोर्सिज्म कर रहे पादरियों को भयंकर श्राप देता था। रोनाल्ड जब भी धार्मिक आकृति या तस्वीर देखता था तो वो बहुत वायलेंट हो जाता था। हफ्तों चले एक्सोर्सिज्म के बाद एक रात फादर विलियम कांप उठते हैं जब वो रोनाल्ड के शरीर पर एक लाल रंग का एक्स बना देख लेते हैं। उस एक्स खरोच की घटना की रात से रोनाल्ड की जांघों से एड़ी तक एक कांटे जैसी बनाई गई खरोच रोज रोनाल्ड के शरीर पर उभरने लगी। यह सिलसिला लगभग एक महीने तक चला पर पादरियों ने हार नहीं मानी। वो रोजाना रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म करते रहे। 20 मार्च 1949 रोनाल्ड की हालत बेहद खराब हो गई। उसने पूरे बिस्तर पर पेशाब कर दिया और साक्षात शैतान की तरह गरजने लगा। रोनाल्ड के घर वालों का सब्र का बांध टूट गया
और वो रोनाल्ड को सेंट लुइस के एलेक्सिया ब्रदर्स हॉस्पिटल में ले गए। 18 अप्रैल 1949 एलेक्सियन हॉस्पिटल, लगभग शाम को 6 बजे रोनाल्ड उठ खड़ा होता है और वहां आए पादरियों पर चिल्लाने लगता है। उसी रात लगभग 10:45 पर दोनों फादर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं और सेंट माइकल का आह्वान करते हैं और सेंट माइकल से रोनाल्ड को बचाने का आग्रह करते हैं। प्रार्थना के 7 मिनट बाद रोनाल्ड बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद रोनाल्ड बस यही कहता है कि वो चला गया। रोनाल्ड फिर गहरी नींद में सो जाता है और आखिरकार रोनाल्ड शैतान से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी वो सच्ची कहानी जिससे द एक्सोर्सिस्ट मूवी की कहानी प्रेरित थी। रोनाल्ड अभी भी जिंदा है और अपने पोतों पोतियों के साथ ईस्ट कोस्ट में रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।